मैनपुरी के करहल सीएससी पर स्टाफ नर्स को नेग ना देने पर नर्स ने 40 मिनट तक लेबर रूम में मेज पर नवजात को रखा। नवजात की हुई मौत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान। डीएम ने दिए जांच के आदेश। सीएमओ मैनपुरी ने गठित की 3 सदस्यीय टीम। क्या नाम है आपका? राजा बेटी। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ में? जैसे हमारी बहू को डिलीवरी होने को थी तो दर्द हुआ, तो मैंने आशा को फोन किया तो उन्होंने बोला चलो ले चलो ले चलो करेल ले चलो। हम करेल ले नहीं जा रहे थे, हम तो सैंप ही ले जा रहे थे, लेकिन नहीं करेल अच्छे डॉक्टर हैं, जे वो है तो हम ले गए। हम नहीं कोई बात नहीं, अच्छे डॉक्टर हों तो अच्छी बात है, तो वहाँ ले गए। फिर उन्होंने कहा कि देखा कि 4 बजे तक डिलीवरी होगी, तो हमने चलो कोई बात नहीं। फिर हमारी बहू को बहुत दिक्कत हुई तो हमने बार बार उनसे कही ज्योतिष से, हमने कि हमारी कागज है वो देख लो, खून रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कुछ है सो देखो, अगर हमारी बहू कोई दिक्कत हो तो रेफर कर दो आप, हम अंत कहूँ ले जाए। कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या हमसे ज्यादा जानती हो, हम डॉक्टर हैं, आपको क्या ये वो 50 बातें हमसे कही। चलो भाई कोई बात नहीं, वो मरीज है तो वहाँ पे। फिर हमने बार बार जैसे हम बोलते थे कहती आप तो बार बार आ जाती हो, तो हमारे मरीज को दिक्कत थी तो हम बार बार भाई जाएंगे। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके 4 बजा लिए हैं। जब वो एक बार काली थी, हम उसका नाम नहीं जानते वो कौन है, आशा से हमने पूछा नहीं यार स्टाफ बहुत कम है, तो ये बोलती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर से आ जाएगा। हमें ये पता नहीं था यही डॉक्टर नहीं है, ये बोला कि यही डॉक्टर नहीं है। जानकारी थी कि वो ज्योति जो है वो नहीं नहीं, हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने ये बताया कि ये ज्योति डॉक्टर है। हाँ तो हमने शायद यही डॉक्टर हो, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। डिलीवरी किसने कराई? डिलीवरी एक और काली गाली थी और ज्योति भी थी वहाँ पे। हाँ इन्हीं लोगों ने, डॉक्टर कोई नहीं था। हमने जो पूछा हमने ये डॉक्टर कौन है कि ये तो यही कराती है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो बाहर से बुला लेते हैं, तो यही डॉक्टर होंगी, हमें ये तो पता नहीं था। कि फिर कि लड़का हुआ तो इन्होंने बोला कि जो बहू को दूसरे रूम में ले जाओ, तो हम बहू के साथ चले गए। इन्होंने बच्चा को जो कुछ किया वो हमें तो फिर पता नहीं, हम अपनी बहू को देखने लगे। नहीं पैसे लेके आओ, पैसे लेके, पैसे हमारे पास थे नहीं, ये हमने कितने चाहिए, ये 5100 रुपए। फिर हमने इनसे कहते इन लोगों ने कही रुपए तो यहाँ लगते नहीं है, कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पे बेसबाजी थोड़ी बहुत देर होते रही। नहीं चलो दे दो कोई बात नहीं, लड़का हुआ खुशी में तो सभी देते नहीं, सब पे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं सब पे लगते हैं दे भाई। तो हम ये देन गए तो नहीं नहीं और किसी को भेजो, मम्मी इधर आप, हम रुपये लेके गए और बच्चा वही डिलीवरी रूम में ही मेज पे पड़ू थू कपड़ा में लिपट हुआ। जैसे हमने बच्चा देखो, इन्हें रुपये पकड़ाई, हमने बच्चा देखो, बच्चे की हालत बहुत खराब थी। फिर बच्चे की हालत देख के वो 40-45 मिनट हो गए वही पढ़ा रहा। फिर बच्चे की हालत बहुत खराब थी तो हमने ये क्या हुआ, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है, तो अब आप सैंपल ले जाओ, नहीं अब तुरंत कैसे सैंपल ले जाए, तो नहीं अब रेफर लेटर देते हैं, आपको एम्बुलेंस बुला देते हैं, ये वो करते हैं, आप सैंपल ले जाओ तुरंत। जब तक हमें उसको हिचकी नेकने का आ रही थी, जब तक हम सैंपल ले गए, डॉक्टर को दिखाया उसमें कुछ था, डॉक्टर ने देखते ही घर मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसको घर ले। पर एक नवजात बच्चे का प्रसव के दौरान उसको नक्श के द्वारा 5100 रुपए उसको नेग ना देने पर बच्चे की मौत का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? देखिए समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी जैसा मुझे याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा, और यदि किसी की लापरवाही शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें जांच तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।